लाखी प्रखंड क्षेत्र में शारदीय नवरात्रि के पहले दिन विभिन्न गांवों में भय कलश शोभा यात्रा के साथ माँ दुर्गा की पूजा आरंभ हो गया है। दरअसल हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गंगौर, दुर्गा पट्टी, पिपरौन, हरलाखी थाना, जिरोल, हिसार, हरसुबार आदि विभिन्न गांवों में आयोजित दुर्गा पूजा में आकर्षक पंडाल में माँ दुर्गा सहित अन्य देवी देवताओं का भय प्रतिमा बनाया गया है। वही पूजा के प्रथम दिन गंगौर गांव में तकरीबन 251 कन्याओं के द्वारा भय कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जहां सभी कलश यात्रियों ने काजे बाजे के साथ गांव की परिक्रमा करते हुए कमला नहर से कलश में पवित्र जल भरकर वापस पूजा स्थल पर पहुंची, जहां पंडितों व आचार्यों के द्वारा सभी कलश को मंत्रोच्चारण के साथ पूजा स्थल पर स्थापित कराया गया। उसके बाद गंगौर पूजा कमेटी के द्वारा सभी कन्याओं को प्रसाद के रूप में खीर खिलाया गया। कमेटी के कोषाध्यक्ष सत्यनारायण महतो एवं समाज सेवी नरेश यादव ने बताया कि यहां वर्षों से पूर्व से समस्त ग्रामीणों के सहयोग से दुर्गा पूजा होती आ रही है। इस बार कलकत्ता के कलाकारों के द्वारा भय पंडाल बनाया गया है, जो आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। इधर दुर्गा पूजा शुरू होते ही पूरे प्रखंड भर में भक्ति का माहौल कायम है। सबसे पहली बार कुमारी कन्या को यहाँ भोजन कराई जाएगी, तस्मय है। और ये हमारे यहाँ आज से नहीं, हम लोग जन्म से पहले से मनाया जा रहा है धूमधाम से। इस साल भी 2023 का बहुत धूमधाम से आयोजित है। हम गंगौर पंचायत के आदमी इसमें आनंदित है। 2000+ जमुनी नदी के होते पूरे गांव परिक्रमा करते हुए गांगे बाबा, बरम बाबा का स्थान होते हुए आपको यहाँ स्थापना किया जाएगा मंदिर के प्रांगण में। कार्यक्रम यही है कि आपको यहाँ से रामायण दिखाया जाएगा। पाँच दिन आपको संस्कृति कार्यक्रम को रखा गया है, प्रोग्राम है, मैथिली कार्यक्रम है। आइए आप एग्जैक्ट तो किसी को अभी तक हम लोग उसका बहुत अध्ययन करना चाहे और हम लोग इस पर थोड़ा सा चाहे जो एनालिसिस करें, लेकिन बहुत जो सीनियर बुजुर्ग लोग हैं ग्रामीण के, सबसे सीनियर से उनसे भी बात कई बार हुई, उन लोगों को भी एग्जैक्ट कोई टाइम का अंदाजा नहीं लग रहा है। लेकिन उन लोगों का एक आशय आया कि भारत जब से आज़ाद भी नहीं हुआ था, अर्थात 1947 से पूर्व से ही इस चौक पर एक गली था, एक दुर्खी है एक बुजुर्ग व्यक्ति का, उनके घर में मूर्ति बना के शुरुआत हुआ था। करीब यह 6 वर्ष पहले से मनाया जा रहा है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप जान रहे, देख ही रहे हैं कि इससे पहले कुछ ही वर्ष, 2-3 वर्ष पहले हम लोग एक यहाँ रोड साइड में मंदिर है, छोटा मंदिर में पूजा करते थे। ग्रामीण और मैया भगवत की कृपा है, ग्रामीणों का सहयोग रहा, सब लोगों की इच्छा हुई, तो उसके अनुसार हम लोग ने पूरे ग्रामीणों से एक एक करके करीब 40 लाख से प्लस चंदा एक साल के अंदर में हम लोगों ने कलेक्शन किया है। भव्य मंदिर बना है और पूजा करवा रहे हैं। 1000 के आसपास में कन्या के द्वारा शोभा कलश यात्रा निकाला जा रहा है और ग्रामीण का तो भीड़ है ही, देख ही रहे हैं आप, उसका आप तो क्लिप भी ले सकते हैं। और इसके बाद जब वो लोग कलश को लेके आएंगे, भगवती का पूजा होगा और इसके बाद सबों को प्रसाद का व्यवस्था है, भोजन का व्यवस्था है और यह हर साल होते आ रहा है। एकदम 100% जी नमस्ते।